प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण शिविर जो हमने 200 विधानसभा के अंदर चलाए, उनमें से आज क्योंकि हमने जो टाइम टेबल दिया था उसके अनुसार 15 तारीख से लेकर और 25 तारीख के बीच में हमारे को 200 विधानसभाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न करना था। आज हम खुशी के साथ ये कह सकते हैं कि हमने 197 विधानसभा क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हमारा हो चुका है और मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी जिन्होंने प्रशिक्षण दिया है हमारे समन्वयक और हमारे प्रशिक्षार्थी सबको बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाया और अब आगे जाके वो लोगों को कांग्रेस की रीति नीति, कांग्रेस की इतिहास और उसके बारे में बताएंगे। सर आगे क्या प्रोसीजर रहेगा इन लोगों का? जो अब हमारा सेकेंड फेज कंप्लीट हो चुका है, अब हमारा थर्ड फेज आने वाला है और उस थर्ड फेज के अंतर्गत हम हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाकर, हमने एक ऐप तैयार किया है घर घर कांग्रेस के नाम से, उस ऐप के माध्यम से वो सब जगह जाएंगे, सारे घर घर में जाएंगे और वहां पर हमारे जो और जो वहां के वोटर हैं उनसे संपर्क करेंगे। देश ने जो हमें आदेश दिया था कि 15 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक हमें ये शिविर करने थे 200 विधानसभा में, ये बहुत खुशी की बात है कि हमने उनमें से 197 विधानसभा में आज ये कार्यक्रम पूरा हो गया और मोटे तौर पे 49,000 के लगभग हमारे कार्यकर्ता जो है बूथ स्तर पर ट्रेंड हुए हैं। अब यही हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर पार्टी का जो हमारा ऐप है घर घर कांग्रेस, उससे हर घर में हर सदस्य को जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसका हमें फायदा लोकसभा चुनाव में मिलेगा कि प्रदेश भर के हर घर में हमारी पार्टी की रीति नीति, हमारे पार्टी के कार्यक्रम जो है सीधे पहुंचेंगे और इसका लाभ जो है हमें लोकसभा चुनाव में मिलेगा। कहाँ कहाँ नहीं हो पाए? 3 विधानसभा रहेंगे, गुटा मनानी, खंडार और लक्ष्मण गदाचकर। इनमें आगे होगा? हाँ, निश्चित तौर पर आगे जो भी पार्टी आदेश करेगी उसके हिसाब से हम देखेंगे।